Good morning all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम English grammar में story writing करेंगे. Students, see the picture here. सबसे पहले आप इस picture को notice करोगे. इस picture में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक यहाँ person एक ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक person के हाथ में टू मिट्टी के पोट हैं, मतलब घड़े ले रखे हैं उसने जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. उसके नीचे देखो यहाँ पे बेटा आपको हिंट दिया हुआ है. ये स्टोरी का हिंट होता है. इन हिंट को यूज़ करते हुए आपने एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, आप इन्हीं हिंट्स को फॉलो करते हुए ही स्टोरी प्रिपेयर करोगे. तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टोरी. इसका मेन टाइटल क्या है? वाइज वाटर बियरर और द विजडम ऑफ अ वाटर बियरर. देखो स्टूडेंट्स, स्टोरीज में टाइटल और मोरल देना कंपलसरी होता है. जैसे कि ऊपर देखो मेंशन किया हुआ है, रीड द गिवन हिंट्स, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी, सप्लाई अ टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. तो कभी कभी ये पिक्चर दे देते हैं आपको एग्जाम में, उन पिक्चर्स के थ्रू आपको स्टोरी प्रिपेयर करनी होती है. एंड इन केस आपको वो कभी कभी हिंट्स भी दे देते हैं. इन हिंट्स को फॉलो करते हुए आप एक स्टोरी प्रिपेयर करोगे. तो जब भी आप इन हिंट्स को फॉलो करते हो तो सबसे पहले आप हिंट्स को स्टडी करोगे कि इसमें किसकी बात की गई है. तो उसके रिगार्डिंग हम एक स्टोरी का टाइटल भी प्रिपेयर करेंगे. तो जैसे इन हिंट्स को फॉलो करते हुए हमने क्या देखा कि एक टाइटल दिया हुआ है, अ वाइज वाटर बियरर, या दूसरा टाइटल आप यूज़ कर सकते हो, द विजडम ऑफ अ वाटर बियरर. वाटर बियरर, बियरर कौन होता है? पनिहारा, मतलब जो पानी लाता है उसको बोला जाता है वाटर बियरर. तो इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है. वंस देयर वॉज अ वाटर बियरर, एक बार एक वाटर बियरर था हु वर्क फॉर अ रिच मैन. ये एक वाटर बियरर है, ये एक रिच मैन है. वो रिच मैन एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता था. ही यूज टू ब्रिंक वाटर फॉर द मास्टर इन हिज पोर्ट्स. वो अपने इन दो पोर्ट्स में, देखो एक ये पोर्ट है और एक ये पोर्ट है, इन घड़ों के अंदर पानी लेके आता था. देयर वर टू लार्ज पोर्ट्स आउट ऑफ विच वन वॉज परफेक्ट, जिसमें से एक तो अच्छा था. एंड ही कुड ब्रिंग द एंटायर वाटर विदाउट वेस्टिंग, उसके अंदर वो अपना सारा पानी बिना वेस्ट किए हुए. बट द अदर वन लीक्ड, लेकिन जो दूसरा था वो लीक होता था एज देयर वॉज अ क्रैक इन इट, क्योंकि उसके अंदर एक क्रैक छेद था. मतलब एक पर्सन के पास दो घड़े थे, एक अच्छा था और एक लीक था. तो फ्रॉम दैट पोर्ट ड्यू टू लीकेज के कारण अ पोर्ट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड, सॉरी अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड, ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता था. इट कंटिन्यूड फॉर टू ईयर्स, दो साल तक ऐसा ही चलता रहा. दस द क्रैक्ड पोर्ट कुडंट सेटिस्फाइड संतुष्ट हिज मास्टर. जो क्रैक वाला पोर्ट था, घड़ा था, उससे उनके जो मालिक थे वो संतुष्ट नहीं हुए. एज दिस पोर्ट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इससे रिजल्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट ऑफ इट इवन द मास्टर बिकेम डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स सैड, दुखी हो जाना. जो वो मालिक था वो दुखी हो गया. द वाटर बियरर टोल्ड हिज मास्टर दैट, तो उसके जो वाटर बियरर ने अपने मास्टर को क्या कहा, ही वुड यूज़ दिस पोर्ट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. देखो उसने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया, इंटेलिजेंसी को यूज़ करते, मतलब उसने अपने माइंड को यूज़ करते हुए क्या कहा कि इस घड़े के पानी से वो प्लांट्स को वाटर देगा. हिज मास्टर एग्रीड, उसके जो मास्टर था वो मान गया इस बात से. ही स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, तो उसने क्या किया, पौधों को पानी देना शुरू कर दिया. मतलब जिस रास्ते से वो आता था वो पानी के घड़े लेके, वो रास्ते से उसने क्या किया, प्लांट्स शुरू कर दिए ताकि जो पानी गिरेगा वो वेस्ट नहीं जाएगा बल्कि उन पौधों को मिलेगा. इससे क्या हुआ, ही सॉट मोर सीड्स, सोड होता है बोना, सीड्स बीज, उसने बहुत सारे बीज और डाले. सून मोर प्लांट्स वर देयर, जल्दी ही वहाँ पे पौधे उगने लगे. ऑल ऑफ देम ग्रू एंड द फ्लावर्स ब्लूम, मतलब खिलना, धीरे धीरे पौधे बढ़ते गए और उनके अंदर से फूल खिलते रहे. द वाटर बियरर यूज द फ्लो, देखो उसने जो पानी का बहाव था उसको वेस्ट नहीं किया अपनी बुद्धिमता से, बल्कि उसने क्या केयर कर दिया, इट चेंज इट इनटू अ यूनिक क्वालिटी, उसने एक अच्छी क्वालिटी में उसे चेंज कर दिया.
तो देखो उसने अपनी विजडम का यूज़ करते हुए क्या किया, उस पानी को वेस्ट भी नहीं जाने दिया और उस पानी का उसने यूज़ किया जिससे प्लांट्स जो थे वो खिलने लगे। तो इससे मोरल क्या बनता है, विद विजडम इंटेलिजेंसी से इवन फ्लो कैन बी चेंज इन टू अ यूनिक क्वालिटी, कि जो फ्लो होता है उससे क्या होता है, हम एक अलग अच्छी क्वालिटी की चीज़ों में बदल सकते हैं। कहने का मतलब जब भी हम चाहें अपनी बुद्धिमता से, अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंसी से हम किसी भी डिफ़िकल्ट काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी एक स्टोरी अ वाइज वाटर बियरर की। अब एक नेक्स्ट स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, फोर्थ नंबर पे दी हुई है, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन हिंट्स एंड प्रोवाइडेड टाइटल्स। देखो आपको ये फोर पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स में आप एक क्रो को देख रहे हैं, ओके। अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स को फॉलो करते हुए स्टोरी प्रिपेयर करनी है। स्टोरी का टाइटल देना द कनिंग क्रो, कनिंग होता है चलाक, एक चलाक कोए की स्टोरी बताई गई है। वंस इज अ ट्री स्टेम, स्टेम होता है तना, एक बार एक पेड़ के तने पर अ स्पैरो और अ क्रो, एक चिड़िया और एक कुआ वर नेबर्स, दोनों पड़ोसी वो रहते थे। द स्पैरो वर्कड होल डे, स्पैरो क्या करती, सारा दिन काम करती, गैदर ट्विग्स, वो शाखाओं को एंड फूड ग्रेन्स खाने की चीज़ों को इकट्ठा करती। द क्रो सजेस्टेड, क्रो ने क्या सजेशन दिया, लेट अस लिव टुगेदर एंड बी फ्रेंड्स, आओ हम दोनों दोस्त बनते हैं और इकट्ठे रहते हैं। द इनोसेंट, वो मासूम सी स्पैरो एग्रीड, वो मान गई, बिकॉज ही हैड ऑल्सो नो फैमिली, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो मान गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, द स्पैरो गॉट अप, वो उठा, स्पैरो उठा एंड अर्ली एंड वॉक अप द क्रो ऑल्सो, मतलब वो स्पैरो जल्दी उठी और उसने क्या किया, क्रो को भी उठा दिया। आफ्टर दैट ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड, उसके बाद वो फूड खाने की तलाश में चली गई। केम बैक, वापिस आई एंड स्टिल फाउंड हिज क्रो फ्रेंड स्लीपिंग, उसने क्या देखा, उसका जो फ्रेंड था वो अभी तक सो रहा था। वो खाना इकट्ठा करके ले आई, ही शूड हिम अप, उसने उसको हिलाया एंड स्टार्टेड एंड कुकिंग राइस, और उसने क्या किया, राइस को पकाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे जब वो खाना इकट्ठा लेके आई, धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली द अरोमा, अरोमा क्या होता है, फ्रेग्रेंस, स्मेल स्प्रेड ऑल अराउंड, वो खाने की खुशबू फ्रेग्रेंस फैलने लगी। द क्रो गॉट अप, इससे वो क्रो था वो जाग गया और उसने क्या किया, देखो वो चलाक था, उसने चलाकी से क्या किया, सजेस्टेड हिम टू टेक बाथ, उसने उसे कहा कि तुम नहा के आओ, ठीक है, नहाने के लिए उसने उसे बोल दिया। व्हाइल द स्पैरो वाज टेकिंग बाथ, जब स्पैरो नहा रहा था, द क्रो एट ऑल द राइस, देखो स्पैरो सुबह उठा, उसने क्या किया, वो अपने खाने की तलाश के लिए गई वहाँ पे, तो उसने वो जब खाना लेके अपने साथ आया तो खाना पकाने लगा, तो उससे इसकी स्मेल से, उसकी फ्रेग्रेंस से वो कुआ जाग गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया, उसने क्या किया, उसको नहाने के लिए भेज दिया और द क्रो एट ऑल दी राइस, उसने सारा खाना खा लिया, राइस सारे के सारे खा लिए। वेन द फार्मर रिटर्नड, उसके बाद जब वो वहाँ पे वापस आया, ही वॉज एंग्री टू सी दैट, वो मतलब कि जब वो लौट कर नहा के वापस आया, उसने क्या देखा कि उसने सारा खाना खा लिया एंड कॉन्सिक्वेंटली ही थ्रू द क्रो आउट, और उसने क्या किया, क्रो को बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या हो गया, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो कनिंग क्रो था, वो चलाक कौआ था, उसने अपनी चलाकी का यूज़ करते हुए कैसे स्पैरो को बेवकूफ़ बनाया और उसका सारा खाना खा लिया, और स्पैरो को ये बात देख के गुस्सा आ गया और उसने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो बेटा ये दोनों टॉपिक्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे और साथ साथ आप इसकी लर्निंग भी करोगे। थैंक यू।